कुंडली एक बार फिर एक्सपोज हुई है और एक बार फिर जनता ने जो सत्यमेव जयते पर अपनी पुख्ता मोहर लगाई थी, एक बार भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उसमें मोहर लगाई है। डिमोनेटाइजेशन का जब फैसला हुआ, विमुद्रीकरण का जब फैसला हुआ, नोटबंदी का जब मोदी जी का फैसला हुआ, तो उस वक्त जो है वो एक वर्ग में बेचैनी दिखाई पड़ी। और ये वर्ग वो था जो लूट लाबी का समर्थक था, बेईमानों का हितैषी था, और उन्होंने उसने इसको लेकर के पूरे देश में कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की, गुमराह करने की लोगों को कोशिश की। लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभाओं के चुनाव हुए और कई बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, और जनता ने उसमें ठोक करके नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले पर मोहर लगाई। और एक बार फिर आज भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उस पर मोहर लगाई है। इसको हम यही कह सकते हैं सत्यमेव जयते। और जो बेईमान और जो बिचौलिए थे और जो बेईमान थे और जो इसके समर्थन में खड़े हुए थे, उनको फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी है। थैंक यू।